हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल 11 मूवी एकेडमी पर। बच्चों, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि इस फरवरी माह में आप लोगों के लिए ज्ञान गुरु एकेडमी की तरफ से संजीवनी क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। बच्चों, तो आज के अपने इस क्लास में हम लोग शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले हैं, जो संजीवनी बूटी क्लास का सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, आइए आपका समय व्यर्थ न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। ठीक है बच्चों, तो अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है बच्चों, जो 4 अंक के आने वाले हैं। इसमें प्रश्न देखते हैं, जो प्रथम प्रश्न है उसमें दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा सामाजिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु दिए गए 2 सुझावों को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इसमें आप लोग उत्तर लिखेंगे, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। पहला सुझाव ये है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना है, और दूसरा है बच्चों के माध्यमिक स्तर पर भाषाओं के अध्ययन संबंधी सुझाव को देना है। ठीक है, तो ये आपका अति लघु उत्तरी क्वेश्चन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे बच्चों। ठीक है, फिर इसके बाद आगे की तरफ हम लोग देखते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और वहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा बच्चों कि 10+2+3 की शिक्षात्मक संरचना को स्पष्टतया समझाइए। अर्थात जो शिक्षा मंत्रालय ने जो नई शिक्षा नीति लाया है, उसके अनुसार 10+2+3 की जो शिक्षा नीति की जो संरचना है उसको आपको समझाना है बच्चों। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। ठीक है, और पूरी की पूरी उम्मीद है कि इस साल के जो 2022 का आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें इस क्वेश्चन के आने की पूरी से पूरी संभावना है। इसमें आप लोगों को लिखना है कि पहली शिक्षा नीति 1986 द्वारा देश में 10+2 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू करने की गई थी। 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था से आशय है कि शिक्षा प्रणाली 15 वर्षीय है तथा 3 भागों में बांटी है। प्रथम भाग 10 वर्षीय का है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, तथा दूसरे भाग में 11वीं 12वीं तथा अगले चरण में 3 वर्षीय उच्च शिक्षा का भाग है। इस प्रकार 18 वर्ष की आयु में शिक्षा पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है बच्चों। ठीक है, इसको आप लोग फिर से मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। यह समझाया गया है कि पहली शिक्षा नीति 1986 द्वारा देश में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसके अनुसार 10+2+3 शिक्षा व्यवस्था से आशय यही है कि जो शिक्षा प्रणाली है वह 15 वर्षों की है, जिसमें 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम जो 10 वर्ष वो है उसको क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक का रखा गया है। दूसरे भाग में जो आपका इंटर लेवल का होता है, यानी कि 11वीं और 12वीं होता है, तथा तीसरे चरण की जो शिक्षा होती है वह उच्च स्तर की होती है। इस प्रकार 18 वर्ष तक की आयु में शिक्षा पूर्ण करने का पूरा लक्ष्य रखा गया है बच्चों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से क्या कह रहा है। कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या क्या है। ठीक है, इसके अनुसार देखेंगे तो उत्तर आपको कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अध्ययन तथा अध्यापन हेतु पर्यावरण अवसंरचना का विकास किया जाए। दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा के लिए स्थानों की संख्या बढ़ाई जाए, और तीसरा पॉइंट कह रहा है बच्चों कि इस कार्य के लिए योग्य प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए, और चौथा पॉइंट जो है वह है कि व्यावसायिक शिक्षा के बाद रोजगार का अवसर दिया जाए बच्चों। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्यावसायिक शिक्षा के बाद रोजगार का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहा जा रहा है आपसे कि नवोदय विद्यालय संकल्पना क्या है। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा नवोदय विद्यालय की संकल्पना, और उसमें आपसे यही पूछा जा रहा है कि नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है। ठीक है, तो उसके अनुसार बच्चों हम लोग यह देखते हैं इसका उत्तर कि नवोदय विद्यालय
नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नवोदय विद्यालयों को प्रगति मूलक विद्यालय कहा गया है। विशिष्ट प्रतिभागी बालकों की तीव्र प्रगति हेतु 80 शिक्षा बिना आर्थिक भार देने हेतु इन विद्यालयों की स्थापना की गई। कार्यकारी योजनाओं के अंतर्गत प्रगति मूलक विद्यालयों को नवोदय विद्यालय कहा गया है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट ये सोचती है कि उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए जो बच्चे आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हैं। तो नवोदय विद्यालय को बच्चों प्रगति मूलक विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है या कहा भी जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है। देखिए, ये एक बहुत बड़ा विवाद है। ये माना जाता है कि हम लोगों की जो शिक्षा प्रणाली है वह भारतीय शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न है। ठीक है, तो इस बात को समझते हैं आखिर क्यों कहा जाता है ऐसा। उत्तर में कहा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से एक विशेष अवस्था में बालकों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने को शैक्षिक स्तर कहा जाता है। यह एक सापेक्षिक संकल्पना है। भारत में कम वेतन एवं सुविधाएं, शिक्षा पद्धति तथा शिक्षकों की अयोग्यता, प्रबंध समितियों का अनुचित हस्तक्षेप, दोषपूर्ण शिक्षा संगठन, दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली आदि को आधार बनाकर यह कहा जाता है कि अन्य देशों की तुलना में भारत में शिक्षा का स्तर बच्चों निम्न है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के जो 5 क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इन 5 क्वेश्चन को आप बिल्कुल देख के जाइएगा इन सारे क्वेश्चन को, क्योंकि संजीवनी की क्लासेस में वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों एक बार से इन सारे क्वेश्चनों को फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु दिए गए 2 सुझावों को बताइए। सेकंड क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के क्या सुझाव हैं। तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है। और 5वें में कहा जा रहा है कि आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा का स्तर निम्न है। ठीक है बच्चों, तो ये रहे आज के लिए आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख के जाएंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बस जाते जाते यही अनुरोध है कि अपने सारे मित्रों और दोस्तों से को ये वीडियो शेयर कर दिए, और यदि तक यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।